दोस्तों नमस्कार भाई, बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे कि सर बीमारियों के बारे में भी जानकारी दीजिए और दवाओं के बारे में जितने भी मैं जानकारियां दे रहा हूँ ना, आप लोगों को भाई बहुत अच्छी पसंद आ रही है, व्यूज भी अच्छे, आप लोगों के कमेंट भी अच्छे और फीडबैक लाजवाब आ रहा है। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस इंजेक्शन के बारे में भी आप जानना हो, आपको डिटेल से जानना हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी जरूर दूंगा। आज जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा, डाउनर काउ सिंड्रोम के रीजन की मैं बात करने वाला हूं, कारण की मैं बात करने वाला हूं। हमने बहुत सारे वीडियो इलाज पर बनाए और बहुत सारे इंजेक्शन भी आपको बताए, ऑल ओवर जानकारियां आपको दी डाउनर काउ सिंड्रोम के बारे में, लेकिन एक चीज जो बची हुई थी, मैं महसूस कर रहा था कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर हैं जिनको कारण के बारे में नहीं पता कि आखिर इसका कारण क्या है। अगर आप कारण को जान लोगे ना, तो इलाज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये वीडियो प्रैक्टिशनर्स के लिए तो खास है ही है, इसके अलावा जो भी पशुपालक भाई देख रहे हैं ना, उनके लिए भी खास है, क्योंकि उनको कारण का पता करना जरूरी है। भाई आप सभी को पता है, ऑल ओवर जितनी भी बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों के बारे में हम डिटेल से एक एक करके हर एक बात, उसका ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, इटियोलॉजी क्या है, क्या इसके रीजंस हैं, वो उसमें सारे आ जाते हैं। इसके अलावा ये हो गई है तो क्या लक्षण लेके आएगी, उसका निदान हम कैसे करेंगे, निदान हो गया है तो फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट में क्या एलोपैथी दी जाएगी, क्या होम्योपैथी दी जाएगी, क्या घरेलू दिया जाएगा, क्या मैनेजमेंट किया जाएगा, ये सब चीज़ें एक एक बीमारी की हम हमारे ऑनलाइन सेशन में लेके आते हैं। और ये ऑनलाइन सेशन हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है, इस महीने भी 21 तारीख से शुरू हुआ है और इस सेशन का नाम होता है लाइफ चेंजिंग सेशन। क्यों? क्योंकि वाकई इसमें लाइफ चेंज होती है प्रैक्टिशनर्स की। क्यों? क्योंकि जानकारी बढ़ती है तो अपने आप उनकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है, ऐसे फंडे वहां पर लाए जाते हैं। तो 21 तारीख से शुरू हुआ है, अगले महीने की 21 तारीख से फिर से शुरू होगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, 1234 OTP है और चौथे या पांचवें नंबर पर वेट क्लास चलती है, तो वहां जाकर के आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं, तो ऑल ओवर जानकारियां भी ले सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए इन पर व्हाट्सएप करके और आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपनी बात पे आता हूं, डाउनर काउ सिंड्रोम। डाउनर काउ सिंड्रोम में एक्चुअली सबसे बड़ा जो कारण होता है वो कारण होता है कैल्शियम का, और यहां कैल्शियम जो चलता है ना, दोनों तरफ चलता है। यानी आप सभी को पता है कि कैल्शियम की जब कमी होती है उसको हम हाइपोकैल्शियमिया बोलते हैं, हाइपोकैल्शियमिया, और जब ज्यादा होता है कैल्शियम उसको हम हाइपरकैल्शियमिया बोलते हैं। तो कैल्शियम की कमी भी इसके पीछे उत्तरदायी है, कैल्शियम की कमी होगी बैठ जाएगी, जो ही कैल्शियम चलाया चलाया गया खड़ी हो जाती है। तो भाई कैल्शियम की कमी तो उत्तरदायी है, लेकिन कैल्शियम की अधिकता भी उत्तरदायी है। अगर किसी पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं है और आपने अच्छे तरीके से नहीं पहचानी कि कमी नहीं थी ज्यादा था, और वहां कैल्शियम लगा दिया गया, तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए यहां दोनों तरफ चलता है, कैल्शियम की कमी की वजह से भी DCS हो जाता है, डाउनर काउ सिंड्रोम, कमी की वजह से, तो भाई अधिकता की वजह से भी डाउनर काउ सिंड्रोम हो सकता है। डाउनर काउ सिंड्रोम आपको पता है धरती पकड़ बीमारी है, यानी इसमें जमीन पर बैठ जाता है और फिर पशु खड़ा नहीं हो पाता, कभी कभी आगे के पैरों से कोशिश करता है, जगह चेंज करता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता। और जब जुगाली करने लग जाता है ना, बैठा बैठा खाने लग जाता है, उसी को हम ओरिजिनल DCS कहते हैं, ओरिजिनल डाउनर काउ सिंड्रोम कहते हैं। अब ये बैठ गया और खाने लग गया है ना, इसका मतलब ये पक्का डाउनर काउ सिंड्रोम में आ गया है। तो पहला कारण कैल्शियम का। दूसरा कारण जो है वो होता है फ्रेंड फॉस्फोरस और मैग्नीशियम का। ये तीन ऐसे मिनरल है, कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम, ये जो मिनरल है ना, इनका एक निश्चित रेशियो होता है। ये रेशियो जब बिगड़ जाता है ना, तो भी डाउनर काउ सिंड्रोम हो सकता है, या इनकी जब कमी हो जाती है तब भी डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाता है। तो ये कैल्शियम पहले लिया, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस भी इसके पीछे उत्तरदायी होते हैं। अगला जो कारण होता है वो होता है फ्रेंड पोटेशियम का। जब शरीर में पोटेशियम का लेवल डाउन हो जाता है ना, तब भी डाउनर काउ सिंड्रोम हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद रीजन आता है इंजरी का। कभी भी किसी पशु को चलते चलते चोट लग गई, या मान लीजिए वो स्लिप हो गया, गिर गया, कैसे भी कोई इंजरी अगर हो जाती है,
तो भी डाउन द कर्व सिंड्रोम का रीज़न बनती है। कोई हड्डी टूट गई या मान लीजिए टूटी नहीं है, कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई है, तो डाउन द कर्व सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा एक स्थिति ऐसी आती है डिस्टोकिया की। जब भी किसी गाय भैंस को डिस्टोकिया हो जाता है ना, डिस्टोकिया मतलब कठिन प्रसव, जब खींचतान करके बच्चा निकाला जाता है ना, तो पीछे से कई ऐसे लिगामेंट्स हैं जो कि डिमेज हो जाते हैं, कई ऐसी नर्व्स हैं जो कि डिमेज हो जाती है, कई ऐसी बोन है जो डिमेज हो सकती है, तो इस कंडीशन की वजह से भी डाउन द कर्व सिंड्रोम हो जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा मान लीजिए डिलीवरी के वक्त हुआ है या किसी भी इंफेक्शन की वजह से सेप्टिसीमिया हो गया। सेप्टिसीमिया का मतलब क्या होता है? गंभीर संक्रमण, जो संक्रमण बहुत सारे अंगों को अपने आगोश में ले लेता है, तो वो अगर सेप्टिसीमिया हो जाता है ना, तो उसकी वजह से भी डाउन द कर्व सिंड्रोम हो सकता है। कई ऐसे केसेस देखे गए। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिजीज, मेटाबॉलिक डिजीज में अगर मैं बात करूं तो सबसे प्रमुख है कीटोसिस। भाई मिल्क फेवर में मान लीजिए इलाज हुआ नहीं टाइम पर तो बैठ जाती है, तो कीटोसिस जो है वो भी बहुत खतरनाक है। कीटोसिस में भी अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो पशु नीचे बैठ जाता है और उसके बाद खड़ा नहीं हो पाता, तो मिल्क फीवर के बाद कीटोसिस का भी नंबर आता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिजीज में हम लें तो पीपीएच, यानी कि जिसमें पेशाब में खून आता है। भाई पेशाब में जब खून आता है तो खून की कमी हो जाएगी, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। यानी पेशाब में खून आने की वजह से खून की कमी हो जाएगी, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, तो एनीमिया की वजह से भी पशु नीचे बैठ जाता है। प्रॉब्लम। और एनीमिया के पीछे कारण सिर्फ ये पीपीएच का ही नहीं होता, कारण और भी कई होते हैं। पेशाब में खून आना भी आपको पता है कई कारणों से होता है। बबेसिया में आ सकता है, बेसिलरी हीमोग्लोबिनिया में आ सकता है, पॉइजनिंग में आ सकता है, बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोआ है जो इसके पीछे रीजन बनते हैं। और प्रोटोजोआ में भी तो ब्लड अगर नहीं भी आता है ना तो भी कमजोरी आ ही जाती है। जितने भी प्रोटोजोअन डिजीज है उनमें कमजोरी आ ही जाती है, और उस कमजोरी की वजह से हो जाता है एनीमिया। और एनीमिया हो गया तो लो साहब पशु नीचे बैठ गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा कोई भी लंबी बीमारी हो, कोई बीमार मान लीजिए पशु बहुत ज्यादा बीमार है, चाहे वो पैरासाइट की वजह से ही बीमार हुआ लेकिन लंबा बीमार रह गया, तो लंबा जब बीमार रहता है ना तो धीरे धीरे कमजोरी आती है, और वो कमजोरी नसों की, मसल्स की और हड्डियों की कमजोरी बन जाती है और नीचे बैठ जाता है, ये भी होता है। इसके अलावा बहुत प्रकार की ऐसी पॉइजनिंग्स भी है, कई पॉइजनिंग्स है जिनमें नीचे बैठ जाता है। कई प्रकार के ऐसे आपके दूसरी स्थितियां, जैसे मैंने अभी लिया डिस्टोकिया, उसी तरीके से प्रोलप्स हो जाता है, तो भाई प्रोलप्स ऑफ यूट्रस बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। बाकी प्रोलप्स ऑफ वेजाइना में भी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जब बहुत ज़्यादा प्रोलप्स की शिकायत होती है ना तो पशु नीचे बैठ जाता है, तो ये भी रहता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंतिम जो स्टेज होती है एडवांस प्रेगनेंसी में, एडवांस प्रेगनेंसी में अगर कोई पशु न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में है, यानी कि मान लीजिए विटामिन मिनरल्स की उसको कमी हो रखी है, तो उस स्थिति में भी भाई वो नीचे बैठ सकता है। एक बीमारी और मुझे याद आ रही है और वो है बी1 डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन बी की अगर किसी भी शरीर में कमी हो गई, विटामिन बी की कमी हो गई, चाहे बी का कोई सा भी, बी जो होता है वो ग्रुप में होता है, बी1 बी6 बी2 बी3 सारे होते हैं आपको पता है, तो इनकी कमी की वजह से भी बैठ जाती है। इसके अलावा एक स्थिति होती है शॉक की, शॉक चाहे कोई सा ही है, इलेक्ट्रिक शॉक हो चाहे कोई सा भी शॉक हो, तो हर प्रकार के शौक में बैठने की संभावना रहती है, उसमें भी फिर वापस खड़ी नहीं हो पाती। इसके अलावा जितने भी मैंने अभी कैल्शियम के साथ साथ जितने भी मिनरल्स मैंने आपको बताए, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी कमी की वजह से बैठ जाती है, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जिनकी कमी की वजह से गायें बैठ जाती है फिर खड़ी नहीं हो पाती है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कमी कर देते हैं, और धीरे धीरे एकदम से नहीं होती, हालांकि विटामिन मिनरल्स की वजह से होती है ना तो वो एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे होती है, लेकिन धीरे 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 होते 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 फिर वो उसको ज़्यादा आगोश में ले लेती है। दोस्तों कारण तो बहुत सारे हैं डाउन द कर्व सिंड्रोम के, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें क्या होता है कि उस बीमारी में जब तक पशु रहा तब तक कमजोर होता गया, धीरे धीरे कमजोर होता गया, वही लॉन्ग डिजीज मैंने बताई थी। तो इस तरीके से ये सारे के सारे कारण अगर आपने समझ लिए, कई ऐसी टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिन्स बनते हैं
जैसे एक टॉक्सिन का मैं अगर उदाहरण लूं तो वो होता तो हालांकि ग्लूकोज की कमी की वजह से ही है, जिसको हम प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया कहते हैं। तो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया की जो स्थिति होती है ना, इसमें भी अधिकतर, और जो मैंने अभी एडवांस प्रेगनेंसी वाली बात की, तो वो अक्सर प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया की वजह से भी हो सकती है। तो भाई बहुत सारे रीजंस है, इन सबको जान लीजिए ताकि इलाज में आसानी होगी।